ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। और दादी को हम अंतर्यामी कहे तो भी थोड़ा है। जब से दादी बॉम्बे गए थोड़ा अस्वस्थ हुए, बॉम्बे के डॉक्टर्स थे, वहाँ का वायुमंडल दादी को सूट कर गया, तो दो बार मैं दादी के पास गई। नीलू बहन ने कहा कि ये दूर से मिलो, दादी को इन्फेक्शन होता। दादी कहती है सो क्या, बुलाओ इसको, इसको मत रोको। अशोक भाई का इसको भी मत रोको, इसको भी मेरे सामने लाओ, ये भाई को ले आओ। सैनिटाइज करा के दादी हाथ पकड़ के जब नजदीक जाना मना है, बहुत प्यार से दृष्टि दिया, बहुत प्यार से दिया, और यहां तक कहा कि इसको देर से नहीं चली जाए। अशोक भाई को भी कहा, मेरा पुराना भाई है, अशोक भाई का भी हाथ पकड़ के हाथ में दृष्टि देते रहे। दोबारा जब हम लोग गए तो कैसे अंतर्यामी है, हम आपको बताएं। नीलू ने बोला कि दादी, मैं जानकी दादी को फोन लगा लो, बात कर लो। बहुत प्यार से बोला, नहीं उसको नहीं तंग करो, वो सो रही है। कहा आप बंबई में बैठे हो, वो आबू में है, कैसे पता शांति वन में सो गई है। नहीं नहीं उसको तंग नहीं करो, सो गई है। बहुत प्यार से नीलू ने उस बात को देखना चाहा। हंसा बहन ने कहा दादी अभी तो सो रही, फिर बात करा देंगे। दादी को जैसे कि कहते ना, सब दिखाई दे रहा है कि कहाँ पर क्या हो रहा है। वो अव्यक्त रूप में सब जगह चक्कर लगाती थी। फिर दूसरे दिन नीचे समोसा आश्रम को बनवाने के लिए कहना था। नीलू बहन ने कहा दादी मैं एक मिनट में आती हूँ, समोसा बनाने का प्रोग्राम देना है। दादी ऊपर के फ्लैट में रहती थी, नीचे सेंटर चलता था। दादी ने बन रहा है, कहा आपको कैसे पता समोसा बन रहा है। कहा नहीं बन रहा है, जाने की जरूरत नहीं, इससे आप क्या अनुमान लगाएंगे कि दादी जैसे बैठे बैठे वतन से साकार में होते सब देख रही है, कहाँ क्या हो रहा है।